दिवाली से पहले डीए और बोनस, लाखों सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा डबल तोहफा। जी हां, काफी महत्वपूर्ण और ताजा अपडेट लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी केंद्र सरकार के द्वारा कर दी गई है और उसकी घोषणा भी केंद्र सरकार ने कर दी है। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों को भी डीए बढ़ोतरी का लाभ जल्द मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार दीपावली से पहले बोनस के साथ बड़ी दर से डीए देने का आदेश जारी कर देगी। यदि सरकार बड़े डीए का लाभ दीपावली से पहले देना चाहेगी तो उसे अक्टूबर का वेतन दीपावली यानी कि 24 अक्टूबर से पहले देने का आदेश जारी करना पड़ेगा। इसी के साथ यदि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा कर दी तो राज्य कर्मचारियों को भी बढ़े हुए डीए के साथ बोनस का तोहफा मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जो अब तक 34% की दर से दिया जा रहा था, उसमें 4% की बढ़ोतरी करते हुए 38% की दर से दिए जाने का आदेश सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। इस वृद्धि का लाभ 1 जुलाई 2022 से कर्मचारियों को मिलना है। केंद्र सरकार की घोषणा के साथ ही यूपी में भी वित्त विभाग ने डीए में 4% बढ़ोतरी से संबंधित प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है, ताकि जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डीए के संबंध में प्रस्ताव मांगे तो फाइल तत्काल प्रस्तुत की जा सके। राज्य सरकार यदि बढ़े हुए डीए और डीआर का लाभ दीपावली से पहले देना चाहेगी तो उसे अक्टूबर का वेतन समय से पहले देने का आदेश जारी करना पड़ेगा। दीपावली से पहले महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के साथ ही बोनस की उम्मीदें इसलिए भी की जा रही हैं क्योंकि इस वित्तीय वर्ष में अब तक पिछले वर्ष के मुकाबले राजस्व संग्रह की स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है। और सितंबर माह में वित्त मंत्री ने बताया था कि अगस्त 2021 के मुकाबले 335 करोड़ रुपए अधिक राजस्व मिला है। तो इस तरीके से ये काफ़ी अच्छी खबर है उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए कि कर्मचारियों को डबल तोहफा मिलने वाला है और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत के रूप में एक शानदार तोहफा मिलने वाला है। तो इसके संबंध में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।